सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल की मदद से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके बताए गए, सबसे वायर्ड और वाईफाई दोनों। तो दो तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यूएसबी से कनेक्ट करके, तो आपको क्या करना है, यूएसबी से आपके लैपटॉप और मोबाइल को आपस में कनेक्ट करना है, बस काम हो गया। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन में आना है, सेटिंग में जाकर अदर हॉटस्पॉट, उसमें अदर शेयरिंग मोड और शेयर फोन नेटवर्क वाया यूएसबी, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कहते हैं यूएसबी टेटरिंग। तो ये स्टार्ट हो गया है और आपका लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में इंटरनेट भी चालू हो गई। ये सिंपल तरीका, सी ये यूएसबी से कनेक्ट है मोबाइल और इसमें इंटरनेट चालू हो गया है। अब वाईफाई से तो सिंपल है, वाईफाई हॉटस्पॉट चालू किया आपके मोबाइल में और यूएसबी की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आपको आपके लैपटॉप में स्टार्ट करना है वाईफाई और आपको नेटवर्क दिख जाएगा आपके मोबाइल का। तो यू कैन सी ये मेरा मोबाइल वीवो 1901 से कनेक्ट। देख सकते हैं इंटरनेट आ गया है नेटवर्क। तो अब आप अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल से आपके लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट दोनों तरीके से, वायर्ड और वायरलेस। यूएसबी की ज़रूरत नहीं है, यूएसबी की ज़रूरत अगर आपके वाईफाई काम नहीं करेगा, आप यूएसबी से यूज़ कर सकते हैं, तो ईजी है।